नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा एकेडमी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RRB की तरफ से जो फीस वापस हो रही है उसके बारे में। इसमें वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि आपके जो एग्ज़ाम दिया था और आपकी फ़ीस यहाँ पर वापस नहीं आई हो तो आपको करना क्या है, जो कि जो यहाँ पर RRB के वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया था, आपको वह नोटिस देखना है। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस पता चल जाएगी। तो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम आपके लिए बताएंगे डायरेक्ट कि आपको क्या करना है। यदि आपके अकाउंट में आपकी फ़ीस वापस नहीं आई है तो आपको क्या करना है। दोस्तों, मेरे यहाँ फीस वापस आ चुकी है। देखिए, यह NEFT की है और यह SBI के द्वारा की गई है। दोस्तों, यह रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से, ठीक है। और 390 रुपये मेरे अकाउंट में कल 19 दिसंबर को क्रेडिट हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों, यदि आपके नहीं हुए हैं तो आपको बता दें कि आपको क्या करना है। इसके जानने के लिए आपको जाना होगा RRB की वेबसाइट पर। तो ले चलते हैं आपको RRB की वेबसाइट पर। दोस्तों, यह रही RRB की वेबसाइट या ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर यह नोटिफिकेशन जारी किया था इन लोगों ने, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, यह जो पहले वाला किया था 12 दिसंबर को किया था नोटिस रिफंड एग्जामिनेशन फीस के बारे में। उसके बाद दोस्तों, यह जो न्यू है किया था, यह 18 तारीख को अपडेट किया गया था। यदि आपने यह नहीं पढ़ा है तो आप इसको पढ़ लीजिए। दोस्तों, इसमें लिखा गया है क्या लिखा, इसको अपन क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, इसमें अभी फ़िलहाल लिखा आ रहा है कि जो एप्लीकेशन रिफंड फीस है वह बिल्कुल काम चल रहा है। आपके अकाउंट में यदि 21/12/2018 तक कंप्लीट पहुंच जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी आपकी फ़ीस है ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। यदि आपकी फ़ीस सबमिट नहीं हुई है तो 21 दिसंबर तक आपके अकाउंट में आपकी फ़ीस यहां पर सबमिट हो जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ठीक है। दोस्तों, इसका एक ही रहेगा, यदि आपने बैंक जो बैंक डिटेल रहती है भाई बिल्कुल गलत नहीं डाली होगी तो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। यदि उसमें कुछ भी मिस्टेक होगी, जैसे कि नेम स्पेलिंग में मिस्टेक, IFSC कोड मिस्टेक या फिर ब्रांच मिस्टेक, कुछ भी मिस्टेक होगी तो आपके पैसे क्रेडिट नहीं होंगे। तो दोस्तों, आपको रेलवे बोर्ड ने कई बार सूचित किया था कि अपनी डिटेल जो है भाई बिल्कुल क्लियरली भरें और अच्छे सावधानी पूर्वक भरें, ताकि आपको फीस रिफंड करने में आसानी हो और आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएं। तो दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यदि आपने सावधानी पूर्वक अपनी डिटेल भरी हुई है तो आपके अकाउंट में आपके 390 रुपये जरूर क्रेडिट हो जाएंगे 21 दिसंबर तक। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही है। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, बाय।